नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बात जीतन राम मांझी की, जिन्होंने बिहार में ताड़ी बैन के खिलाफ बोलते हुए महात्मा गांधी को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने गांधी का जिक्र करते हुए इसका समर्थन किया है। पहले सुनिए जीतन राम मांझी ने दरअसल कहा क्या है। जब तक वैकल्पिक व्यवस्था न हो तब तक ताड़ी को बंद नहीं करना चाहिए। फिर ताड़ी के संबंध में मिलावट का जहां तक सवाल है, ये तो नेचुरल प्रोडक्ट है। वो 50 फीट ऊपर से छिप करके लोग जूस चिवाते हैं, 20-25 फीट खजूर का पेड़ होता है उससे लोग लाते हैं, वो फर्स्ट क्लास उसको नीरा करते हैं। महात्मा गांधी ने भी इस चीज़ को ये किया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, और अगर बुराई है तो उसको आप रोकिए। और इस वक्त गांधी जी के परपोते तुषार गांधी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तुषार, आपने सुना होगा क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये आधी अधूरी जानकारी का नतीजा है, क्योंकि बापू ने पहले तो ताड़ी का बहुत ही विरोध किया था, और दांडी कूच के दरमियान तो उसमें एक अभियान था कि जो ताड़ के जितने भी पेड़ मिलते थे वो कटवा देते थे, क्योंकि वो कहते थे कि उसमें से दारू बनता है और जो गलत आदतें हैं वो पनपती है। फिर दांडी के बाद कुछ जो नेचर क्योर वाले थे उन्होंने बापू से ये कहा कि ताड़ी भले ही खराब हो पर नीरा जो ताजा होता है रस, और जिसमें वो दारू नहीं बना होता, फर्मेंट नहीं हुआ होता है जी, उसमें कुछ औषधि तत्व होती है और उसके कारण वो तबीयत के लिए अच्छा होता है। तो उन्होंने फिर ये इजाजत दी थी कि लोग नीरा का सेवन करें, लेकिन उसमें बहुत ही शर्ती ये था कि जरा भी उसमें फर्मेंटेशन ना होना चाहिए और एकदम ताजा सुबह का जो पहला जी सूर्योदय होने के पहले का रस होता था वो ही पीने अलाउ करते जी। आपने अगर सुना हो, नहीं पीते जी, आपने अगर सुना हो जीतन राम मांझी को, अगर आपने सुना हो तो उन्होंने नीरा का ही जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि चूंकि वो नेचुरल प्रोडक्ट है और वो स्वास्थ्य के लिए एक तरह से अच्छा भी होता है, जो आप भी जिक्र कर रहे हैं औषधि है, उसमें कुछ गुण भी होते हैं, तो उसके बारे में शायद उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी उसका सेवन करते थे। पर ताड़ी नहीं, ताड़ी नहीं, वो फर्मेंटेड, बिल्कुल वो फर्मेंटेड फॉर्म है उसका। तो लेकिन पहले जो ताजा जूस होता था जो फर्मेंटेड नहीं होता था, जिसे हम महाराष्ट्र में नीरा कहते हैं, मुझे बिहार में पता नहीं क्या कहते होंगे उसको, पर उसको उसकी सेवन की वो अनुमति दी थी, पर खुद कहीं पीते बापू कभी उसका सेवन नहीं करते जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार हमसे बात करने के लिए। सरबजीत की तरह ही पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में जासूसी के आरोप में बंद एक और भारतीय कैदी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। किरपाल सिंह पिछले 24 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद थे और उन पर जासूसी का